सो हे गाइस, विनय दिस साइड, कैसे हैं आप लोग? तो ये आपका होने वाला है हमारा एसएससी का सीजीएल का जो आपका एग्जाम हुआ था 18 जुलाई को, ठीक है, Tier 1, उसका ये होने वाला है सेकंड शिफ्ट। और इसमें हम करेंगे पूरा का पूरा आपका इंग्लिश सेक्शन को कवर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन आपके आ गया है, आइडेंटिफाई द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस दैट इज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड फ्रूगल। फ्रूगल का एंटोनियम बताना, आपने किसका एंटोनियम बताना है? फ्रूगल का, ठीक है। तो अब देखो, ये जो फ्रूगल का एंटोनियम बताना है, ध्यान से देखना है। देखो, फ्रूगल का मतलब क्या होता है? फ्रूगल, FRUGAL, फ्रूगल का मतलब होता है बेसिकली कंजूस, ठीक है। ऐसा कोई जो क्या हो, बिल्कुल ही कंजूस हो, जिसको आप बोल सकते हो मेजर हो, कंजूस हो, ठीक है, जो कि बेसिकली थ्रिफ्टी हो, THRIFTY, थ्रिफ्टी मतलब जो लोग कंजूस होते हैं, ठीक है, जो ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करते, उनका फ्रूगल बोलते हो, मिजर बोलते हो, ठीक है, थ्रिफ्टी बोलते हो। तो ऐसे ध्यान रखना, इसका एंटोनियम जो अपोजिट वर्ड है क्या चला जाएगा? प्राइसेस, नहीं, एकोमोडेशन, तो मतलब ये जगह होती है जहाँ पे आप रहते हो, ठहरते हो, नहीं। एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब हो जाता है जो स्क्वैंडर करते हैं, SQUANDEER, SQUANDEER, एक्स्ट्रावेगेंट वो लोग होते हैं जो खर्च करते हैं बहुत ज़्यादा, फिजूल खर्ची करते हैं, जैसे आप बोल सकते हो स्पेंड थ्रिफ्ट, SPENDTHRIFT, स्पेंड थ्रिफ्ट होते हैं जो फिजूल खर्ची करते हैं, तो एक्स्ट्रावेगेंट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हॉर्टिकल्चर, फिर आपका कॉपुलेट पोर्शन, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर तो आपको पता ही है, जो सारा का सारा घासेस, बोटनी वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है। वर्ड जो आपका गलत है वो ये है, करेक्ट स्पेलिंग होती है IGNITION, इग्निशन। इग्निशन मतलब होता है आग लगाना किसी चीज़ में, क्या करना, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग, सेटिंग अप फायर, सेटिंग अप फायर, आग लगाना, आग भड़काना, उसे हम इग्निशन कहते हैं, ठीक है। कॉपुलेट मतलब होता है वही, रिलेटेड टू इंटरकोर्स, रिलेटेड टू सेक्स, ठीक है, उसे कॉपुलेट कहते हैं। पोर्शन आपको पता ही है, करेक्ट आंसर है आपका सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, आई विल नॉट गो आउट इफ इफ इज रेनिंग, ठीक है। अब देखो क्या है कि आपको पता ही है कि जब आपका पहले वाला जो हो वो सिंपल फ्यूचर में हो, ठीक है, तो जो इफ वाला क्लॉज होता है तो सबने रट ही रखा है, तो आप इसको ऐसे ध्यान रखो, जो आपका इफ वाला क्लॉज है वो किस में रहता है? वो आपका रहता है सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा आपका ये वाला पोर्शन, और ये वाला जो पोर्शन है आपका सिंपल फ्यूचर में रहता है, ठीक है। कि अगर ऐसा होगा तो फिर मैं ऐसा नहीं जाऊंगा, ऐसा बोलने में, ठीक है ना। तो इफ इट रेन्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है, इसलिए मैं ज़्यादा डेप्थ में जा नहीं रहा हूँ। तो क्या आपका क्या होगा? इफ इट रेन्स, गला भी खराब हो रहा है इसलिए धीरे धीरे बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, प्लीज आस्क द डॉग टू गेट ऑफ माई काउच, ठीक है। देखो, जो फ्रेज है आपका वो है गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब, जब भी ध्यान रखना, एक होता है ऑफ, एक होता है OFF। इस ऑफ का मतलब होता है कहीं पर रिलेशन बताना, कहीं पे ये बताना कि ये मेरे साथ बिलोंग करता है, ये मेरे साथ जुड़ा हुआ है। इस ऑफ का मतलब होता है सेपरेशन, इस ऑफ का मतलब होता है सेपरेशन, ठीक है। आपको यहाँ पर सेपरेशन दिखानी है कि उन्होंने अपने डॉग को क्या किया कि भैया काउच से हट जाओ, उतर जाओ, हट जाओ। तो गेट ऑफ, ये ऑफ वाला नहीं आपका यूज होना चाहिए, गेट ऑफ, OFF, ठीक है, ये वाला नहीं, OFF। और यहाँ पे नाउन है, नाउन के लिए आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, तो माई आएगा। ये तो पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन कैसे आ जाएगा? क्या ये बात सेम रिपीट हुई है जो यहाँ पे मैं प्रोनाउन लिखूँ? नहीं, नाउन की रिपीटेशन को रोकने लिखता हूँ ना, रोकने के लिए, तो नाउन ही रिपीट नहीं हुआ तो क्यों लिखूंगा? तो गेट ऑफ माई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, आई फील अस्लीप वाइल आई रीड द बुक, ठीक है। आई फील अस्लीप वाइल आई रीड द बुक, ठीक है। हुआ क्या, उसे भैया नींद आ गई, ठीक है, नींद जैसा लग रहा था। अब ये फेल है, फेल सेकेंड फॉर्म है, मुझे कैसे पता? देखो, वाइल एक कंजंक्शन होता है जो किसी हैबिट के बीच में किसी चीज को जोड़ता है, कॉन्टिन्यूशन को दिखाने के लिए, ठीक है। तो आई फेल, फॉल फेल वगैरह होता है ना, तो आई फेल, फेल मतलब वो सीधा नींद में पड़ गया। अभी अगर देखो भैया, जब वो नींद में पड़ गया तो उस टाइम वो कर क्या रहा था? ये तब की बात है पास्ट की, जब वो बुक पढ़ रहा था, ठीक है। फील ये फेल लगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाइल आई वॉज रीडिंग द बुक, वाइल आई वॉज रीडिंग द बुक, यहाँ इस पार्ट में एरर है, ठीक है ना, रीडिंग द बुक वाले पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे आई रीड वाले में एरर होगा, ये चीज ध्यान रखना। फिर आपको कन्वर्ट करना है वाइल आई वॉज रीडिंग द बुक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, दोज स्ट्रीट्स आर वेरी लोनली। लोनली का मतलब क्या होता है? लोनली का मतलब अकेला, मतलब अलोन, मतलब आइसोलेटेड,
अकेला, अब इसका एंटोनियम बता रहे हैं, एंटोनियम क्या होगा, क्राउडेड, भरा हुआ, टुगेदरनेस, टुगेदर से भरा हुआ, ठीक है। इनकरेक्ट बताना है आपको, कंसीव मतलब कोई चीज ले लेना दिमाग में, कंसीव करना, डिटेक्ट मतलब आपको पता चल गया कि यहाँ पे कुछ है, प्रिडिक्ट मतलब वही प्रिडिक्ट करना इन मतलब कि क्या होने वाला है ये सब, ठीक है। तब देखो आपका क्या है, स्टिमुलेट, स्टिमुलेट मतलब होता है एकदम से, होता है ना स्टिमुलेशन रिप्लाई, एकदम से स्टिमुलेट हो गया कोई चीज, भड़की कोई चीज होना, स्टिमुलेट होना, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है, तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है CONCIVE, ठीक है। यहाँ पे EI होगा, EIVE, कंसीव मतलब कोई दिमाग में कोई चीज कंसीव कर लेना, प्लान आ जाना, न्यू आइडिया आ जाना, कंसीव हो गया ऐसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, आगे है हमारा, द मॉब ड्रोव ऑन द रैम्पेज एंड लूटेड सेवरल शॉप्स इन द लोकेलिटी, ठीक है। द मॉब ड्रोव, तो क्या होगा, मॉब ने क्या किया, मॉब मतलब क्या होता है, मॉब मतलब होता है एंग्री क्राउड, एंग्री क्राउड, ठीक है, एक ऐसा क्राउड जो बहुत गुस्से में हो। तो मॉब क्या, ड्रोव हो गया, रैम्पेज, ऑन द रैम्पेज एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है अनकंट्रोलेबल, बस फैल गया एकदम तेजी से, अनकंट्रोलेबल, एंड लूटेड सेवरल शॉप, मॉब था वो एकदम से गुस्से में आ गया और उसने सब कुछ क्या किया, लूट लिया सेवरल शॉप्स को, ठीक है। प्लेड खेला उन्होंने, वेंट गया, ठीक है। देखो हमेशा ये फ्रेज यूज होता है, वेंट ऑन द रैम्पेज, वेंट ऑन द रैम्पेज, ये हमेशा ध्यान रखना, गो ऑन द रैम्पेज, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रैंप भागा नहीं, स्ट्रोल करा नहीं, याद कर लो उसको, ठीक है। नेक्स्ट है सीक्रेट प्लान मेड टू डू समथिंग यूजली रॉन्ग, ठीक है। सीक्रेट प्लान, जब आप किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचते हो, उसे हम क्या बोलते हो, उसे कॉन्स्पिरेसी बोलते हो, कॉन्स्पिरेसी। ये तो बहुत आसान ही लग रहा है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये अच्छे होते हैं PQRS, जिसमें जिन बच्चों को इनमें दिक्कत लगती है वो प्रैक्टिस 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 करा करो, और देखो मैं कैसे करूँगा, पहले पूरा पढ़ लो। आफ्टर फ्यू मंथ्स द टू कंट्रीज एंगेज इन द कारगिल वॉर, ठीक है। फर्दर मोर अ नंबर ऑफ वॉयलेंट वॉर्स वर फाउट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। आफ्टर फ्यू मंथ्स द कंट्रीज, ठीक है। इन February 1990 ड्यूरिंग द विंटर इन्वेशन इंडियन पाकिस्तान साइंड द, देखो क्या होगा, आफ्टर फ्यू मंथ्स कुछ मंथ बाद, ये तो बाद में ही आएगा, फर्दर मोर ये भी बाद में आएगा, पहले आएगा सी, सी कि पहले उनके बीच में क्या हुआ, इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक डिक्लेरेशन साइन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद आफ्टर फ्यू मंथ्स भैया वॉर हो गई, कारगिल वॉर, ठीक है, CA। फर्दर मोर नंबर ऑफ वॉयलेंट वॉर्स और फाइट, ठीक है, देंगे जो एक्सट्रीमली चैलेंजिंग, CA कहाँ पर है, CA रहा। उसके बाद भी दोबारा क्या हुआ, फर्दर मोर बहुत सारी वॉर्स हुई, उसके बाद क्या देंगे, वो एक्सट्रीमली चैलेंजिंग फॉर द इंडियन आर्मी के लिए, बहुत बड़ा चैलेंज था, उनको फाइट करना पड़ रहा था रॉकी टेरेन में से, ठीक है। तो CABD इज योर करेक्ट, CABD। आगे, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ का मतलब होता है बाल बाल बचना, बाल बाल बचना, नैरो एस्केप, नैरो एस्केप होना, नैरो एस्केप, बाल बाल बचना, नैरो एस्केप होना एकदम, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, जस्ट बेरली, ठीक है, नैरोली बचना एकदम। नेक्स्ट है आपका, आई कांट टॉक राइट नाउ, आई एम बींग रियली बिजी, आई विल कॉल यू लेटर, ठीक है। आई कांट टॉक राइट नाउ, इसमें आपको एरर बताना है, किसमें एरर है, देखो आई कांट टॉक राइट नाउ, मैं भी बात नहीं कर सकता, आई विल कॉल यू लेटर, मैं बाद में बात करूंगा, ये तो आपके स्पोकन वर्ड्स है, ये भी आप स्पोकन में बोलते हो, ये भी स्पोकन में बोलते हो, बट आप ये बोलते हो आई एम बींग रियली बिजी, बींग का यूज ही गलत है, बींग का मतलब, बी एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है होना, बींग होना, जब आपको पता नहीं चल पा रहा, आपको कॉन्टिन्यूशन की कोई चीज़ को दिखाना पड़ता है, बींग का यूज नहीं होगा यहाँ पे, तो बींग आने नहीं चल रही, यहाँ पर बी की खुद की फॉर्म तो आ ही रही है, एम की फॉर्म, तो आई एम रियली वेरी बिजी कर दो, आई एम रियली वेरी बिजी, ठीक है। आई कांट टॉक राइट नाउ, आई एम रियली वेरी बिजी, आई विल कॉल यू लेटर, ये सब स्पोकन के वर्ड है, ठीक है। देखो इस पैटर्न में भी अब आने लग गया है, ठीक है ना, वाह। नेक्स्ट है, टू पुट ऑफ डूइंग समथिंग स्पेशली ऑफ हैबिचुअल केयरलेसनेस लेजीनेस, ठीक है, कि आप किसी चीज को बार बार टाल रहे हो कि अब करूंगा अब करूंगा अब करूंगा, उससे क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे भाई बैठे हुए हो, यहाँ पे आपका रिमोट पड़ा है, ये रहा टीवी आपका, आपको बंद करना, आप कह रहे अभी कर दूंगा अभी कर दूंगा, 2 घंटे बीत गए, मतलब प्रोकास्टिनेट करना, लेजीनेस के थ्रू आप क्या करो, प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, प्रोकास्टिनेट का मतलब होता है डिले, डिले द वर्क, डिले द वर्क ड्यू टू लेजीनेस, ठीक है, ड्यू टू लेजीनेस। एक्सेलरेट मतलब होता है बढ़ना, आगे बढ़ना, एक्सेलरेट मतलब आगे बढ़ना, ठीक है, मतलब तेजी से आगे बढ़ना। रिकुपरेट मतलब होता है रिकवरी, रिकवर फ्रॉम इलनेस, रिकवर फ्रॉम इलनेस, ठीक है। लेसरेट का क्या मतलब है, लेसरेट का मतलब होता है कट, ठीक है, कट कर देना किसी चीज को, या टियर कर देना स्किन को, उसको लेसिरेट बोलते हैं ना, कट डीपली, ठीक है।
आपका करेक्ट आंसर है प्रोकास्टिनेट। नेक्स्ट देखते हैं, सेल्डम हैड ही बीन सो जॉयस इन अदर्स हैप्पीनेस। सेल्डम मतलब होता है बहुत ही रेयरली, ना के बराबर, जो कभी हुआ हो। एंटोनियम बताना है ऐसी चीज जो होती रहती है बहुत जल्दी जल्दी, फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली, करेक्ट है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब हाउ यू विल टेल योर फ्रेंड दैट रोहित हेल्प्स रघुन पैसिव वॉइस। ठीक है, रोहित हेल्प्स रघु, इसको बनाना है अपने पैसिव वॉइस में। कैसे बनेगा, यहाँ पर रघु आ जाएगा आगे, ये हेल्प है, ठीक है, तो ये कौन सा प्रेजेंट सिंपल है, तो इसका कैसे होता है, इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। रघु सिंप आपका क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। इज हेल्प देख लो कहाँ पर है, यहाँ पर है नहीं है, यहाँ पर है नहीं है, यहाँ पर है नहीं है, यही ऑप्शन है, इज हेल्प बाय। नेक्स्ट है दे आर प्लेइंग सॉन्ग सो डैश डेट द एंटायर नेबरहुड इज डिस्टर्ब। ठीक है, ये बहुत आ रहे हैं आजकल, एक जैसे दिखने वाले वर्ड वर्ड होते हैं। लॉर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कोई पर्सन है उसको आपने एक पावर दे रखी है, ऐसे बोलते हैं ना माई लॉर्ड कोर्ट में जाकर, ठीक है, फ्यूडल हो, बेसिकली फ्यूडल सुपेरियरिटी जिसमें दिखे, जिसको आप पूछते हो, जैसे माई लॉर्ड, हाँ जी भगवान के दर्जा ही दिया एक तरीके से आपने, तो ये तो वो हो गया। दे आर प्लेइंग सॉन्ग सो डैश डेट द एंटायर नेबरहुड इज डिस्टर्ब। नहीं भैया, प्ले कर रहे हैं ना, तो हमें पता चल गया तेज बजा रहे हैं, तो स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, लाउड होना चाहिए, LOUD, ये तो पढ़ते ही बता देना चाहिए था। लॉर्ड का मतलब होता है प्रेज, प्रशंसा, प्रेज, लव्ड, पता ये सबको, प्यार तो हर जगह चल रहा है आजकल। नेक्स्ट, द कार्ड्स वर बींग डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हर टू हर फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखो बींग प्लस V3 तब आता है जब कॉन्टिन्यूशन हो, कॉन्टिन्यूशन, कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूस टेंस हो, और वर्ब बता रहा है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस रहा होगा। बस आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस ढूंढ लो, यहाँ पे काय है, सभी पास्ट कॉन्टिन्यूस में दिख रहे हैं यहाँ पे। तो मैं अगर देखो यहाँ पे बीन आ रहा है, बीन तो भैया पैसिव में आता है, बीन प्लस V3 ये तो कट गया, ठीक है, फिर यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस ढूंढ लो, पास्ट कॉन्टिन्यूस यहाँ पे वर्ब के साथ V3 आ रहा है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस नहीं। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है क्या, वॉस के साथ वर्ब प्लस में V1 प्लस ING आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, शी वॉस, ये देखो यहाँ पर हर फ्रेंड्स, अब क्या होना चाहिए था यहाँ पर, हर फ्रेंड्स तो यहाँ पे है ना इस प्रेपोजिशन के, ये तो आएगा नहीं, ठीक है, ये आएगा शी, शी वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग द फ्यू कार्ड्स टू हर फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट है, हर फ्रेंड्स क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो इस प्रेपोजिशन का प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना, जो सब्जेक्ट बन रहा था एक्टिव में, आपको एक्टिव बताना, तो फर्स्ट इज योर करेक्ट। नेक्स्ट, ही ब्रॉट डिसग्रेस टू हिज फैमिली बाय बीइंग इन्वॉल्व्ड इन इलीगल एक्टिविटीज। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइंग वर्ड। ठीक है, अब देखो सस्पिशन, ठीक है, ये एक चीज देखो, बेसिक सी चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, पहले तो सबके देख लो मतलब क्या, सस्पिशन मतलब होता है डाउट, शेम आपको पता ही है, वही शर्मिंदगी लाना, डिसग्रेस लाना। डिस्कॉर्ड मतलब होता है क्या, डिसएग्रीमेंट, जब आपकी नहीं बनती किसी के साथ, डिसएग्रीमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप क्या ला रहे हो, बदनामी ला रहे हो, डिसग्रेस ला रहे हो, तो इसका अपोजिट क्या हुआ, ऑनर, प्रशंसा जब ला रहे हो, ऑनर, रिस्पेक्ट। नेक्स्ट है डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, डाइवर्जेंस का मतलब होता है एक यहाँ है तो दूसरा यहाँ है, मतलब अलग अलग होना, अलग अलग होना, डाइवर्ज हो जाना, ठीक है, आपको एंटोनियम बताना है कि सब इकट्ठा है, मतलब कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस हो, सब इकट्ठा है, ठीक है ना। अब आप कमेंट करके बताना जो बच्चा पढ़ रहे हैं कि रिजाइलेंस का मतलब क्या होता है, रिजाइलेंस वही आपने बताना है। नेक्स्ट है अ पर्सन हु गिव्स हेल्प एंड सिंपथी टू पीपल हु नीड इट। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है, हेल्प करता है, लोगों की मदद करता है बिना अपने मतलब के, उसको हम बोलते हैं समैरिटन। इसी को आप बोल सकते हो कि इसका दिल बहुत अच्छा है, तो ये बेनीवॉलेंट है, BENEVOLENT। इसी को आप बोल सकते हो मैग्नानिमस है, MAGNANIMOUS, MAGNANIMOUS। इसी को आप बोल सकते हो कि एल्ट्रिस्टिक है, ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना, एल्ट्रिस्टिक हो गया। इसी को आप बोल सकते हो डिवाई है, DIVY, डिवाई है, तो इस सब का मतलब क्या होता है, जिसका दिल बढ़िया हो, जो बढ़िया पर्सन हो एकदम, ठीक है, फिलंथ्रोपिस्ट हो, फिलंथ्रोपिस्ट। तो भैया प्रीचर मतलब जो भैया अपनी टीचिंग देता है, जो प्रीच करता है, मोरलिस्टिक पता ही आपको, पार्टनर जो माफी दे देते, तो समैरिटन इज योर करेक्ट। अब बढ़ते हैं हम आगे अपना कॉम्प्रिहेंशन की तरफ, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन क्या कह रहा है, द मजाइज लिव इन डैश वेरी ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका, दे लिव ऑन द वाइड प्लेन्स इन साउदर्न एंड नॉर्दर्न केनिया एंड नॉर्दर्न तंजानिया। द मजाई लिव्स इन
इन अ वेरी ब्यूटिफुल इन अ वेरी ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका दे लिव ऑन द वाइड प्लेन्स इन साउदर्न, ठीक है, द एरिया डैश ऑफ माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रास लैंड ऑन विच यू कैन फाइंड थॉर्नी बुश एंड रॉकीज, द एरिया सराउंड्स ऑफ द एरिया कंसिस्ट ऑफ, मुझे कैसे पता कंसिस्ट आएगा, कंसिस्ट के साथ फिक्स प्रपोजिशन ऑफ आता है इसलिए यहाँ पे कंसिस्ट आएगा। द पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अकॉर्डिंग टू द सीजन्स लुकिंग फॉर ग्रास और अदर प्लांट्स, जहाँ पे प्लांट्स क्या करते हैं, जहाँ पर प्लांट्स अपना क्या करते हैं, गेज करते हैं, ऑन विच प्लांट्स गेज ऑन आएगा यहाँ पर, ठीक है, दे हैव नो परमानेंट होम व्हेन दे वॉन्ट टू सेटल इन अ प्लेस फॉर सम टाइम दे बिल्ड अ काइंड ऑफ कैंप कॉल्ड अ मनियाता वेयर अ फ्यू फैमिलीज लिव इन फॉर अ डैश, कितने वीक्स के लिए रहेगी, थोड़े वीक्स के लिए, वीक्स अपना क्या अकाउंटेबल, अकाउंटेबल के लिए फ्यू आएगा, फॉर अ फ्यू वीक्स ऑफ यू, देन दे मूव ऑन अगेन टेकिंग देयर फ्यू डैश विद दैम एंड बर्निंग द ओल्ड मनीता, ठीक है, बाद में वो क्या करेंगे, उस मनीता को बर्न कर देंगे और अपने साथ अपने कुछ क्या ले लेंगे, इनहिबिशन ले लेंगे, नहीं एक्सपीरियंस ही ले लेंगे, नहीं एंटी लेंगे, अपने साथ अपने थोड़े से सामान ले लेंगे, बिलोंगिंग्स ले लेंगे। तो भैया ये था हमारा आज का पेपर जो कि हमने हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है, तो 18 जुलाई का ये शिफ्ट टू था। अगर किसी को हमारे रिकॉर्डेड पूरा इंग्लिश ग्रामर और वोकैब का बैच लेना हो तो ये वीडियो देख सकता है वो, ठीक है। तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से, ठीक है, आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं वो प्ले स्टोर पर जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है ना। आप iOS वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है, इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में, ठीक है, जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये कोर्स मेरे भाई आपका SSC CGL CGL मेंस CPO CDS NDA, ठीक है, CHSL MTS जितने भी SSC के एग्जाम है मेरे भाई DSSSB वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा, DSSSB PGT PRT जितने भी आपके एग्जाम है, KVS आ रहा है, TGT है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्जाम है उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी, ठीक है। अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूंगा, 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें, ठीक है, और अभी भी मैं इसमें वीडियोस एड ऑन करता जा रहा हूँ, तो आप पढ़ते जाएंगे, जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा, मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, CGL हो, कुछ भी होगा जो ये कोर्स लेगा, ठीक है। दूसरी चीज मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है, वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज ऑफ हो जाएगा आपका, तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा, ठीक है, तो जिसको लेना हो वो ले सकता है। बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोज आती रहेंगी, मैराथन आती रहेंगी, ठीक है, तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करे, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया, ठीक है। तो जल्दी आपका वो कैप का कोर्स भी आएगा, ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना, यूट्यूब पे प्रॉपर क्लासेस होंगी, जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए हैं, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटेक्स, क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीजें आपकी कवर हो रही है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलो गाइस अब मैं चलता हूँ, रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे, ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात करा ही देगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।